हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के इंग्लिश मीडियम के टेस्ट वन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट में कुल एक क्वेश्चन हैं नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे देख लीजिए कैरी वन मार्क्स एंड जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर और इंडियन हिस्ट्री से थर्टी फाइव क्वेश्चन हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से फिफ्टीन करेंट अफेयर से ट्वेंटी फाइव जनरल साइंस से थर्टी इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी से ट्वेंटी मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी से टेन और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से फिफ्टीन क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन हुज रिकमेंडेशन इन फर्स्ट मीटिंग सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली जे बी कृपलानी के रिकमेंडेशन पे राइट ऑप्शन सी होगा द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन नाइन्थ दिसंबर 1946 इन द इन असेंबली मीटिंग जे बी कृपलानी प्रपोज टू फॉलो द फ्रेंच प्रैक्टिस हिच वाज यूनैनिमसली एक्सेप्टेड एंड द ओल्डेस्ट मेंबर सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर एस सी मुखर्जी एंड बी टी कृष्ण मचारी आर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज मैंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे तो एड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेकिन फोर्टी फोर्थ फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के थ्रू एड हुआ था तो ये तो गलत है टेन फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाई दोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये सही है इन दयर टू थाउजेंड टू बाई दी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड ये सही है बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी इज मैंशन इन पार्ट फोर ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सही है गलत कौन सा है ए गलत है सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी इन 1976 सेवेंटी सिक्स बाई दोर्टी सेकेंड टेन फंडामेंटल ड्यूटीज द कमिटी हैड रिकमेंडेड एट फंडामेंटल ड्यूटीज बट टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वे एडेड टू द part 4a of the constitution. in the year 2002, through the 86th constitutional amendment act, 11th fundamental duty was added. the fundamental duties in the indian constitution are taken from the constitution of the soviet union. next question. which among the following is competent to uh, decide the municipal boundary area in the state? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नहीं गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा चीफ मिनिस्टर नहीं सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अंडर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी ऑफ पार्ट नाइन एफ दिट्यूशन ऑफ इंडिया इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर ऑफ द राइट टू नोटिफाई दिमिट म्यूनिस्पलिटीज इन ए स्टेट नेक्स्ट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिल्ली बिकेम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी तो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना था सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बाई दिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली वाज गिवन स्टेटस ऑफ ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड वाइल रिटेनिंग इट इन ए यूनियन टेरिटरी प्रोविजन वॉज मेड फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू इट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वॉज देंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड संथानम कमिटी के रिकमेंडेशन पे सी बी सी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था सो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा संथानम कमिटी ए दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज ए प्रीमियर ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप करप्शन इन देंट्रल गवर्नमेंट विच वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी फोर बाई ए रिजोल्यूशन पासड बाई देंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी नेक्स्ट क्वेश्चन मै सी दी फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कमिटी के चेयरमैन कौन थे फंडामेंटल राइट्स कमिटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे तो एक का जो हो जाएगा टू हो जाएगा सरदार पटेल संघ शक्ति समिति संघ शक्ति कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे बी का हो जाएगा वन स्टीयरिंग कमेटी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी के चेयरमैन कौन थे आ, एस के धर थे एस के धर तो सी का हो जाएगा थ्री और एस के धर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे लेकिन इस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी के चेयरमैन थे एस के धर तो सी का हो जाएगा थ्री तो बचा क्या स्टियरिंग कमेटी एस्टियरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के एम मुंशी थे तो डी का हो जाएगा फोर यानी टू वन थ्री फोर टू वन थ्री फोर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा टू वन थ्री फोर डी नेक्स्ट क्वेश्चन द कन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीच ऑफ फॉलोइंग कंट्री, तो ये लिया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी अमेरिका के राइट right ऑप्शन ए हो जाएगा The concept of judicial review has been adopted from the Constitution of the United States of America. Apart from this, the idea of preamble, independence of judiciary, fundamental rights, office of vice president, impeachment of president, etc., have also been taken from the US Constitution. Next, प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन दिक्सथ शेड्यूल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिबल एरियाज़ बिलोंगिंग टू फ्यूच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो वो है ए एम टी एम एम टी एम यानी असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वैन डिड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स तो फर्स्ट अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था फर्स्ट अप्रैल 2010 राइट ऑप्शन बी होगा राइट टू एजुकेशन वाज ए डिक्लेअर्ड ए फंडामेंटल राइट बाय द एटी सिक्सथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 टू एक्सपेंड दिस कंसेप्ट द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पासड इन दयर टू थाउजेंड नाइन केम इं फोर्स ऑन फर्स्ट अप्रैल टू

Uh, according to Article 148, its salary is similar to that of a judge of the Supreme Court. Its tenure is 6 years or 65 years, whichever is earlier. For the central government, it performs only the function of audit, but for the state government, it performs both accounting and audit functions. It submits its report to the president at the central level and to the governor at the state level. The public account committee yani PSC, examines the audit report of the CAG. Next question The Sarkaria Commission submitted its report to the central government in 1988. Right, option C. In the year 1983, a commission was constituted by the central government under the leadership of Sarkaria to remove the differences that emerged between the legislative, administrative, and financial relations of the center and the states and to recommend for establishing establishing better relations between the two this commission submitted its report to the center in the year 1988 next question article 324 of the constitution of india is related to election commission right option a

प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डी पी एस पी एंड प्रियम्बल में दिया गया है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डी पी एस पी में तो दिया है लेकिन एफ आर फंडामेंटल राइट में नहीं दिया है प्रियम्बल में दिया है फंडामेंटल राइट right में नहीं दिया है फिर डी पी एस पी में दिया है तो ये भी गलत है सही कौन सा है बी ऑप्शन सही है दी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस

राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है तो ए का टू हो जाएगा आर्टिकल फोटी फोर किससे रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है तो बी हो जाएगा वो थ्री आर्टिकल सेवेंटी फाइव जो है वो कौंसिल कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है सी का हो जाएगा फोर आर्टिकल सेवेंटी फोर क्या है किससे रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है ये तो वन हो जाएगा यानी टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू फ्यूचर्स प्राइस ऑफ कॉपर नो फ्यूचर्स प्राइस ऑफ गोल्ड नो फ्यूचर्स प्राइस ऑफ डायमंड नो फ्यूचर्स प्राइस ऑफ सिल्वर नो द ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू द मंथली प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सो राइट ऑप्शन विल बी ई नन ऑफ द नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसके पास होती है करेंसी के पास होती है पब्लिक के पास जो करेंसी है वो ज़्यादा लिक्विडिटी है उसके पास तो सबसे पहले तो बी आएगा तो इसलिए ये ऑप्शन बी वाला और डी वाला ख़त्म बच गया एंड सी उसके बाद में डिमांड डिपोजिट्स विथ बैंक ये लिक्विड होता है लिक्विडिटी इसकी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा करेंसी उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स तो ए के बी के बाद में सीधे डी आएगा तो बी के बाद में डी उसके बाद में हो जाएगा तो तब तो ये तो खत्म हो गया अब ए ऑप्शन हो गया उसके बाद में सेविंग्स डिपोजिट्स विथ बैंक्स देन फिक्सड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स राइट ऑप्शन ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सेक्टर इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट 2022 ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो जो बजट एस्टिमेटेड परचेजेज बाय द गवर्नमेंट इन द बजट 2022 ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री में जो है वो है इंटरेस्ट पेमेंट पे ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट पेमेंट पे ट्वेंटी परसेंट एस्टेट शेयर इन टैक्सेस टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे जाएगा सेवेंटीन परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल बजट का ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा इसमें ट्वेंटी परसेंट जाएगा ट्वेंटी परसेंट और एस्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जो जाएगा वो जाएगा आपको सेवेंटीन परसेंट सत्रह परसेंट सेवेंटीन परसेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे जाएगा फिफ्टीन परसेंट इस पर फिफ्टीन परसेंट जाएगा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र्स के लिए टेन परसेंट खर्च होंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए नाइन परसेंट डिफेंस के लिए एट परसेंट एट परसेंट सब्सिडी पे एट परसेंट पेंशन पे फोर परसेंट और नाइन परसेंट सबसे ज्यादा किस पे जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट राइट right ऑप्शन जो होगा वो ए होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच ईयर वाज द ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया तो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम राइट ऑप्शन ए होगा the 20-point program was started in 1975, which was reorganized in 1982, 1986, and 2006. in the restructuring of the program in 2006, the emphasis was on eradicating poverty from all the country and improving all over the country and improving the standard of living of the poor and डिप्राइब्ड कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी द ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम यानी टी टी पी कवर्स टॉपिक सच है पॉवर्टी इम्प्लॉयमेंट एजुकेशन हाउसिंग एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर एफोरेस्टेशन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इनर्जी इन रूरल एरियाज वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू What is the growth rate of agriculture and allied sector in Bihar during 2016 to 21? According to economic survey of Bihar, the growth rate of agriculture and allied sector in the last five years is 2.1%. 2.1%. So right option will be E, none of the above. 2.1% agriculture and allied sector ka growth last five years. Next fair and renumerative re price uh, fair and renumerative price FRP of sugar cane is approved by which of the following. So fair and renumerative price is recommended by the Commission for Agriculture Cost and Prices CACP and approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. So Cabinet Committee on Economic Affairs right option will be C. नेक्स्ट विच स्टेट हैड रिसीव मैक्सिमम एफ आई इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू कर्नाटका सबसे ज़्यादा रिसीव किया एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आया कर्नाटका में कितना परसेंट जितना भी एफ डी आई आया इंडिया में उसका थर्टी एट परसेंट कर्नाटका को गया ट्वेंटी सिक्स परसेंट महाराष्ट्र को गया और फोर्टीन परसेंट दिल्ली को गया ये टॉप थ्री में रहे Next question In which year State Bank of India merged its five subsidiary banks? On 1st April 2017. 2017 right option will be B. After merger, SBI has become the largest bank in the world according to the number of customers 50 crores, while according to, uh, to 22,500 branches, it ranks second after the Agricultural Bank of China. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग लिस्ट वन लिस्ट टू व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन तो ए का वन हो जाएगा एलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है बी हो जाएगा बी का टू हो जाएगा ब्लू रिवोल्यूशन मैरीन प्रोडक्शन से रिलेटेड है फिशरीज प्रोडक्शन थ्री हो जाएगा सी का गोल्डन रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो डी का हो जाएगा फोर यानी ए का वन बी का टू सी का थ्री डी का फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर राइट ऑप्शन ए है Next question: According to Bihar Economic Survey twenty one twenty two, how many liters of water is available per person per day in Bihar? Seventy liters. Right option B hai. Next question: Ahar Kranti Mission has been started by which of the following institutes? This is called Bharati and Global Indian Societies. सॉरी ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम इन दोनों ने मिल करके स्टार्ट किया है आहार क्रांति मिशन सो राइट ऑप्शन विल बी ई मोर देन वन इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विज्ञान भारती एंड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम द मिशन एम्स टू एड्रेस द नीड फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सेस टू ऑल लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इट्स मोटो इज गुड फूड बेस्ट था नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट एस्टिमेट्स फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी वाट परसेंट ऑफ जी डी पी टू पॉइंट सिक्स परसेंट राइट ऑप्शन बी है uh, ये इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या है तो रिवेन्यू डेफिसिट में से रिवेन्यू डेफिसिट में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ग्रांट इन एड्स ग्रांट इन एड्स जो कैपिटल क्रिएशन के लिए हैं ग्रांट इन एड्स इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री इंडियाज एक्सपोर्ट वाज़ हाईएस्ट इन द ईयर 2021 टू 22। तो हाईएस्ट था यूएसए को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जितना भी एक्सपोर्ट हुआ अप्रैल से नवंबर 2022 तक उसका उस टोटल एक्सपोर्ट का एटीन पॉइंट फोर परसेंट जो है यूएसए को गया सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट यू को गया चाइना को फाइव पॉइंट नाइन परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट बांग्लादेश को गया और टू पॉइंट एट परसेंट हांगकॉन्ग को गया सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ वो यू को हुआ यानी फर्स्ट पे यू है सेकेंड पे है यू एंड थर्ड पर है चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.2 पॉइंट परसेंट नाइन्टीन सेकेंडरी का नाइन्टीन और टर्सियरी का सिक्सटी वन पॉइंट टू परसेंट रहा है इसमें से कोई कुछ भी नहीं है कोई भी नहीं है प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को जो बता रहा हो कितना है नाइन्टीन पॉइंट टू परसेंट प्राइमरी का सेकेंडरी का जो है वो है नाइनटीन पॉइंट फाइव परसेंट टर्सियरी यानी सर्विसेज सेक्टर का जो है सिक्सटी वन पॉइंट टू परसेंट है नन ऑफ दी दब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द फाइव ईयर प्लान तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था राइट ऑप्शन ए होगा द पीरियड ऑफ द दिक्कत फाइव ईयर प्लान वाज नाइनटीन एटी टू इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च ऑन सेकेंड अक्टूबर एटी अंडर दिक्कस प्लान दिन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिसम वॉज टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड इनक्रीज एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ महात्मा बुद्धा हिच रूलर हैड बिल्ट ए एस्तूपा इन राजगिरी ओवर हिच रिल्स तो वो था अजातशत्रु अजात शत्रु थे राइट ऑप्शन सी है अजातशत्रु बिल्ट एस तूपा इन दी राजगिहा ऑन दी रिलिक्स ऑफ दि बुद्धा इन दी एट्थ ईयर ऑफ दी महापरिनिर्वाणा दी डेथ ऑफ दी महात्मा बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा टुक प्लेस ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ अजातशत्रु दि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गनाइज्ड इन दी शतपर्णि केव ऑफ दि राजगिहा ड्यूरिंग दि टाइम ऑफ अजातशत्रु दि स Suth Pitaka and Vinay Pitaka were composed during the first Buddhist council. Next question Which of the following British officers suppressed the revolt of 1857 in Patna? The William Taylor, right option will be D. On July 3, uh, 1857, a massive revolt took place in Patna under the leadership of bookseller Pir Ali. This rebellion was ruthlessly suppressed by the commissioner of Patna, William Taylor. ऑन ट्वेंटी फाइव जुलाई देयर वाज ए रिवेलियन इन मुजफ्फरपुर एंड दानापुर मिलिट्री कंटोनमेंट द रिबेल सोल्जर्स ऑफ दानापुर मीट बाबू कुमार सिंह द जमींदार ऑफ जगदीशपुर एंड हैंडेड ओवर देयर लीडरशिप टू हिम ऑन थर्टी जुलाई द कंपनी गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ इन पटना शाहाबाद सारण मुजफ्फरपुर एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिटरेचर एंड इट्स ऑथर इज़ नॉट करेक्टली मैस्ड तो विक्रम चरिता विक्रम चरिता जो है वो बिलहन के द्वारा लिखा गया ये सही है मूसिक वंश मूसिक वंश जो है अतुल के द्वारा लिखा गया ये भी सही है राजत रंगिनी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया ये भी सही है रामचरित जो है वो सुध्या संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया ये भी सही है तो ये सभी जो है करेक्टली मैस्ड है सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नॉन ऑफ द हो जाएगा ई नॉट करेक्टली मैस्ट हमें इसने चुना था राइट ऑप्शन ई हो जाएगा दूसिक बंस वॉज कंपोज बाई अतुल इन द इलेवेंथ सेंचुरी इट कंटेंस द अकाउंट ऑफ द मूसिक डायनेस्टी विच रूल्ड इन नदर्न केरला राजत रंगनी कंटेंस द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ काश्मीर इन द ट्वेल्थ सेंचुरी संध्याकर नंदी कंपोज द रामचरित्र इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल बिटवीन द कैवर्त फार्मर्स एंड द पाला रूलर रामपाल दिक्रम देव चरित्र डिस्क्राइब्स दी फीट्स ऑफ द चालुक्या किंग विक्रमादित्या्य फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेंस्ट होम डिड बल्बन एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन तो अगेंस्ट दोज हु लूटेड दिल्ली बॉर्डर राइट ऑप्शन विल बी ए During the time of Balban, the courage of the Mewatis living near Delhi had increased so much that they started plundering people up to the limits of Delhi city. To deal with these elements, Balban adopted the policy of blood and iron. The robbers were brutally caught and killed. The forests around Delhi were cut down, and many military police stations were established there rebel villages were destroyed balban had formed the military department diwane arj next question in which anglo mysore war did the marathas and the Nizams sided with Mysore? Uh, in second Anglo-Mysore war right option will be b there were four wars between the british and kingdom of Mysore in uh, 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 94, and, and in 1799. In the first Anglo Mysore War, the Marathas and the Nizam sided with the British against Heather Ali. In the second, they supported, supported Heather Ali in opposing the British. In the third war, the Marathas and the Nizam again sided with the British. In the fourth and decisive battle in 1799, ब्रिटिश कैप्चर्ड कैपिटल मैसूर श्री रंगपटनम टीपू सुल डायड इन दिसवर नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डीज दंग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ द प्रोविंस रिजाइन इन मासस इन नाइनटीन थर्टी नाइन ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नर्स नो बिकॉज ऑफ इंसल्टिंग गांधीजी नो Due to lack of administrative experience, no. Due to India's involvement in the World War without consultation. So, right option will be D. On 22nd December 1939, the Congress cabinet resigned in masses. This day was celebrated by the Muslim League as uh, Mukti Diwas. In World War II, the then Viceroy Lord Linlithgow included India in the war without consulting the Indian leaders. The Congress was not satisfied with the British declaration of colonial swaraj after the war therefore the resignation was done collectively Next question when was the agreement signed between Mahatma Gandhi and Lord Irwin on 5th March 1931 right option will be B The Gandhi Irwin pact was signed on 5th March 1931 under this agreement, it was agreed to release all political prisoners except those accused of violence. Along with this, Indians were given the right to make salt on the seashore. Uh, simultaneously, the Congress agreed to participate in the second round table conference, second RTC. Next question Who among the following first talked about the two nation theory? Sir Syed Ahmad Khan. Right option will be A the idea of separate nation for muslim was first expressed by sir Syed ahmad khan the word pakistan as a separate state for muslim was first coined by cambridge university student chowdhury rahmat ali along with some of his friends in his pamphlet titled now and never uh, Paris forever in 1933 it was created by breaking up some provinces of india नेक्स्ट क्वेश्चन द रूलर ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग डायनेस्टी मेड अवंती महाजनपदा ए पार्ट ऑफ मगध एम्पायर तो शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी राइट ऑप्शन विल बी डी ड्यूरिंग द रीन ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी इन मगध एम्पायर अवंती महाजनपद वाज मर्जड विथ मगध एम्पायर विच रिमेंड ए पार्ट ऑफ मगध टिल द एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी विथ दिस विक्ट्री दि हंड्रेड इयर्स ओल्ड इनमिटी बिटवीन मगध एंड अवंती अल्सो केम टू एंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ प्रजापति गौतमी ये महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी राइट ऑप्शन विल बी बी इन द बिगनिंग दी ऑफ़ वुमेन इन बुद्धिस्ट एसोसिएशन वॉज़ प्रोहिबिटेड ऑन देशल रिक्वेस्ट ऑफ़ हिज बिलव्ड डिसंदा गौतम बुद्धा एग्री टू एडमिट वोमेन इन दी संघा दी फर्स्ट वोमेन टू बी एडमिटेड टू दी बुद्धिस्ट संघा वाज प्रजापति गौतमी एंड दी सेकेंड वोमेन वाज अमरपाली नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी ऑफ बिहार वाज सीज बाई अली गौहर इन सेवनटीन सिक्सटी पटना राइट ऑप्शन विल बी बी इन दियर सेवेन्टीन सिक्सटी दी देन मुगल प्रिंस अली गौहर शाह आलम सेकंड लेड सीज ऑफ पटना टू रिस्टोर मुगल पावर इन बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन बाई रामा पंडिता रामाबाई ऑन पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडियन कॉलोनियल रूल तो हाई कास्ट हिंदू वोमेन राइट ऑप्शन विल बी ए हाई कास्ट हिंदू वूमेन वॉज रिटर्न बाई पंडिता रामाबाई एंड मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया था इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी ये लिखा गया था बी आर नंदा के द्वारा वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर ये लिखा गया था बी सी लाओ के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैस्ट इंपेरियल असेंबलेज एट दिल्ली ये लॉर्ड लीटन के टाइम में हुआ था 1877 में ये करेक्टली मैस्ट है लॉर्ड चेम्पोर्ड के टाइम में हुआ था नहीं बिगनिंग ऑफ इंडियन रेलवे जो हुआ था वो और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 में हुआ था सो ये गलत है एवोल्यूशन ऑफ़ सती सिस्टम एवोल्यूशन ऑफ़ सती सिस्टम जो है वो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1827 1829 में तो ये भी गलत है सेकंड सेंसस ऑफ इंडिया जो हुआ वो कंडक्ट हुआ था 1891 में लैंडस डाउन के टाइम में लॉर्ड रिपन के टाइम में नहीं तो ये भी गलत है राइट ऑप्शन ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टेब्लिस्ट इन पटना राइट ऑप्शन विल बी बी कब 1934 में जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके जयप्रकाश नारायण थे प्रेसिडेंट कौन थे आचार्य नरेंद्र देव थे अदर जो मेंबर थे वो थे राम मनोहर लोहिया बसावंत सिंह मीनू मसानी यूसुफ मेहर अली नेक्स्ट क्वेश्चन पूना पैक्ट वाज साइंड बाय दीज टू लीडर्स तो महात्मा नॉट महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर नॉट नो बी आर अम्बेडकर एंड राजेंद्र प्रसाद नो बी आर अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय राइट ऑप्शन विल बी सी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस्ड दी कम्युनल अवार्ड ऑन सिक्स 16th August 1932, under this announcement, considering Dalits as a minority, they were separated from Hindus and given 71 seats in the provincial legislature. Opposing this announcement, Gandhi Ji started a fast on undo uh, fast unto death at Yarvada jail in Pune with the efforts of Rajendra Prasad. Madan Mohan Malviye and other leaders, an agreement was signed between Gandhi and Ambedkar on 24 September 1932, which, which was signed by Ambedkar and Madan Mohan Malviye. Under this, the separate electorate of Dalits was abolished and the place of the untouchables in the legislative assembly was reserved under the Hindus. In addition, वन फोर्टी सेवन सीट्स वेयर एलोटेड टू दी डिप्रेस्ड क्लासेस इन दी प्रोविंशियल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग वाज़ द कैपिटल ऑफ द ओरिएंटल और एस्टर्न रीजन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड तो पाटलीपुत्र राइट ऑप्शन विल बी बी मौर्यन प्रोविंसेस एंड कैपिटल्स वेयर ओरिएंटल और एस्टर्न रीजन कैपिटल जो था उसका पाटलीपुत्र था Uh, उत्तरापथ का जो कैपिटल था वो तकसीला था कलिंगा जो का जो था वो तोसली था अवंती का उज्जैनी था uh, दक्षिणापथ का जो था वो स्वर्णगिरी था नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट जैन संगीत जैन सभा फर्स्ट जैन संगीति जैन सभा वाज प्रिसाइडेड ओवर वाई भद्रबा राइट ऑप्शन नो no, भद्रबाहु नो no. uh, स्थूल भद्रा राइट ऑप्शन विल बी ए दी फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिम जैनिज्म वाज ऋषभ देवा लास्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म यानी ट्वेंटी फोर्थ तीर्थांकरा वाज uh, महावीरा फर्स्ट uh, जो मीटिंग हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी इस संगीति में जैनिज्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था श्वेतांबर एंड दिगंबर स्थूल भद्र के जो फॉलोअर्स थे जो व्हाइट क्लॉथ्स पहनते थे उनको स्वेतम्बरा कहा गया और जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे जो नेकेड रहते थे दिगंबरा कहा लाए नेक्स्ट क्वेश्चन हु आज़ द फेमस सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉर मार्केट कंट्रोल तो वो था अलाउद्दीन खिलजी राइट ऑप्शन विल बी सी अलाउद्दीन खिलजी द फर्स्ट सुल्तान टू कलेक्ट रेंट बाय मेजरिंग लैंड अलाउद्दीनो इम्पोज टैक्स ऑन ग्रेजिंग हाउस एंड हट द रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू ड्यूरिंग रीन ऑफ अलाउद्दीन परसेंट अलाउद्दीन एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान एमस्तराज नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिसीव बाईन मुल्क आसफ जहा बी डी निजाम Nizam ul Mulk Asabja established the Hyderabad estate in 1724. He held an important place in the later period of Nawab after Aurangzeb. He played an important role in the removal of the uh, Shayyad brothers, brothers from the throne. He was also the vizier of the Mughal Empire from 1722 to 1724. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज दिलिट्री पोजिशन ऑफ द सिग्नेटरी अंडर दिडियरी ट्रिटी ऑफ लॉर्ड बेलेजली तो होगा लॉर्ड बेलेजली इंट्रोड्यूस दबसिडियरी ट्रिटी इन इंडिया द आर्मी ऑफ दट एक्सेप्टेड दिस ट्रिटी वेयर डिसबेंडेड द ब्रिटिश आर्मी वाज किप्टन दूज एक्सपेंसेजर टू दॉर्न बाई दिथ दिस दिनिटी ऑफ दिन एक्सटर्नल अफेयर इंडियड The first subsidiary treaty was accepted by the Nizam of Hyderabad in 1798. Next question: The main leader of social and cultural awakening in the first half of the 19th century, or the first leader of modern India, is called uh, Raja Ram Mohan Roy. Right option will be D. Raja Ram Mohan Roy is called the father of Indian Renaissance and the builder of modern India. He wrote a book titled "Gifts to". Monetists in the year 1809. In 1814, he founded the Atmiya Sabha in Calcutta and opposed the evils of idol worship, uh, rigid, rigidity of the caste system, etc. He founded the Brahmo Samaj in 1828. With the efforts of Raja Ram Mohan Roy, the practice of sati in India was abolished by Lord William Bentinck in 1829. नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड तो इन बिहार शरीफ राइट ऑप्शन विल बी ए द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड वाज बिहार शरीफ मॉडर्न नालंदा डिस्ट्रिक्ट द नेम ऑफ दिस स्टेट एंड इट्स इमीडिएट कैपिटल बिहार केम इन दिस पीरियड द सिटी ऑफ बिहार शरीफ वाज ए मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म उदंतपुरी महावीरा वाज लोकेटेड हियर द तुर्क्स कॉल्ड दिस सिटी अर्जे बिहारा लैंड ऑफ बिहाराज नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ़ दिल्ली सल्तनत इन मेडाइबल इंडिया इच तो गुलाम डायनेस्टी जो था वो ट्वेल्व जीरो सिक्स से ट्वेल्व नाइन्टी तक रहा स्लेब डायनेस्टी ट्वेल्व जीरो सिक्स से ट्वेल्व जीरो नाइन्टी तक खिलजी डायनेस्टी जो है ट्वेल्व नाइन्टी टू थर्टी इन ट्वेंटी खिलजी जो है ट्वेल्व नाइन्टी टू थर्टीन ट्वेंटी तक रहा गुलाम डिनेशी जो था यानी स्लेव डेनेस्टी ट्वेल्व जीरो सिक्स से लेकर के ट्वेल्व नाइन्टी तक रहा लोधी लोधी डेनेस्टी जो था ट्वेल्व फोटीन फोटीन से लेकर के फोटीन फिफ्टी तक रहा और सैयद डेनेस्टी जो है फ़ोटीन फिफ्टी से लेकर के फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स तक रहा तुगलक डिनेस्टी तुगलक डिनेस्टी जो था वो थर्टीन ट्वेंटी से लेकर के ये था थर्टीन ट्वेंटी से ले के फोटीन तक था सो so, सबसे पहले कौन सा डिनेस्टी आया वो आया स्लेव डिनेस्टी ट्वेल्व जीरो सिक्स से नाइन्टी तक उसके बाद में तब खिलजी डिनेस्टी ट्वेल्व नाइन्टी से थर्टीन देन तुगलक डिनेस्टी देन लोधी डेनेस्टी देन सैयद डेनेस्टी तो वन फोर टू फाइव थ्री वन फोर टू फाइव थ्री वन फोर टू फाइव थ्री राइट ऑप्शन विल भी ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोडक्ट हैज़ बीन अवार्डेड द मोस्ट पॉपुलर जी आई अवार्ड इन दी फूड कैटेगरी हैदराबादी हलीम राइट ऑप्शन विल भी सी हैदराबादी हलीम वॉज वोन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी अंडर दी कैटेगरी मोस्ट पॉपुलर जियोग्राफिकल इंडिकेशन फूड इंग्रेडिएंट्स कैटेगरी ऑफ इन फूड इंग्रेडिएंट्स कैटेगरी नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वुमेन इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम भीखा जी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है राइट ऑप्शन विल बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन रहनुमाई मजदियान सभा वाज ए मूवमेंट फॉर रिफॉर्म ऑफ हिच रिलीजन तो वो था जोड़ोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म में सुधार के लिए था जो राष्ट्रीय दिया राइट ऑप्शन विल बी ए इसके लीडर्स जो थे वो थे एस एस बंगाली दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट क्वेश्चन बाय होम वाज राममोहन रॉय कंफर्ड द टाइटल ऑफ राजा अकबर 7 सेकंड राइट ऑप्शन विल बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट मद्रास महाजन सभा कब एस्टेब्लिश हुआ था 1884 में एस्टेब्लिश हुआ था तो वन का पी हो जाएगा पूना पब्लिक असम्बली पूना पब्लिक असेंबली जो है वो एटीन सिक्सटी सेवन में इस्टेब्लिश हुआ था सी uh, हो जाएगा सेकेंड का सी और बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो एटीन फिफ्टी टू में इस्टेब्लिश हुआ था तो थ्री का हो जाएगा डी बंग भाषा बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये इस्टेब्लिश हुआ था एटीन थर्टी सिक्स में मद्रास महाजन सभा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था एम बी राघवाचारी बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू के द्वारा पूना पब्लिक असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था किया गया था महादेव गोविंद राणाडे के द्वारा और इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसमें से वन का बी टू का सी थ्री का डी एंड फोर का ए राइट ऑप्शन विल बी बी वन का बी टू का सी थ्री का डी एंड फोर का ए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन स्ट्रगल इज द बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन तो वो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया राइट ऑप्शन विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज द रिजोल्यूशन डिमांडिंग पाकिस्तान पास्ट तो इन लाहौर सेशन राइट ऑप्शन विल बी बी द मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान प्रपोजल एट द लाहौर सेशन इन नाइनटीन दि नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज़ गिवन बाई चौधरी रहमत अली दि मुस्लिम लीग वॉज़ इस्टैब्लिश इन ढाका इन नाइनटीन जीरो सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन द डायर के सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार इन दिस इयर इन सेवेन्टीन सिंस्टी फाइव राइट ऑप्शन विल भी ए आफ्टर दि विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर इन सेवनटीन सिक्सटी फोर ए डी दि मुगल एम्पेयर शाह आलम सेकेंड गेफ दिवानी रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार बेंगाल एंड ओडिशा टू दि कंपनी द डाईआर की वाज ए स्टार्टिड बाई बॉरिन हेस्टिंगस लॉर्ड कार्नवालिस इंडियड द डाईआर की नेक्स्ट क्वेश्चन विच मगध रूलर इज कॉल्ड उग्रसेन इन बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उग्रसेन महापद्मनंद को कहा गया है महापद्मनंद के पास दो और टाइटल्स uh, थे एकराट का एंड सर्व तक का सो राइट ऑप्शन विल बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर हुज लीडरशिप वाज़ द रिवेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन पटना तो वो स्टार्ट हुआ था पीर अली के uh, लीडरशिप में पटना में जो रिवेलियन 1857 का स्टार्ट हुआ था पीर अली के लीडरशिप में सो राइट ऑप्शन विल बी सी ट्वेल्थ जून 1857 को बिहार के रोहिणी में स्टार्ट हुआ 1857 का रिवेलियन पटना में जो हुआ थ्री जुलाई को स्टार्ट हुआ और पीर अली को अरेस्ट किया गया फोर्थ जुलाई को और पीर अली को फांसी दे दी गई सेवनथ जुलाई को उस समय पटना के जो कमिश्नर था वो था टेलर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी टू डिग्री फॉरन हाइट इन सेल्सियस स्केल तो हम जानते हैं कि सेल्सियस स्केल और फॉरन हाइट को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो होता है एफ माइनस थर्टी टू बाई नाइन इज इक्वल टू सी बाई फाइव यहाँ वन थर्टी वन ट्वेंटी टू में से वन ट्वेंटी टू में से थर्टी टू को सब्ट्रैक्ट करना है बाई नाइन इज इक्वल टू सी बाई फाइव करना है तो दो में से दो गया जीरो और बारह में से तीन गया नौ अब बाई नौ इज इक्वल टू सी बाई फाइव आएगा आ, नौ से दस बार में कट गया दस पर से पचास हो गया यानी सी जो हो गया वो हो गया सी का वैल्यू पचास डिग्री सेल्सियस सो राइट ऑप्शन विल बी ई नॉन ऑफ दब क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन मैच ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू ऑप्शन वन में एलवाइज दिया गया है और ऑप्शन टू में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें यह दिया हुआ है तो जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर किस चीज़ का एलवाए है तो जर्मन सिल्वर में मतलब ये तीन एलिमेंट्स का एलवाएज है कॉपर निकिल एंड जिंक इसमें कॉपर सिक्सटी परसेंट पाया जाता है निकिल जो है ट्वेंटी परसेंट पाया जाता है एंड जिंक ट्वेंटी परसेंट पाया जाता है तो इसमें है कॉपर निकिल एंड जिंक तो कॉपर निकिल एंड जिंक तो निकिल का एलवाई है ए का हो जाएगा टू शोल्डर uh, शोल्डर जो है लेड एंड टी टीन का एलवाई है लेड एंड टीन तो बी का हो जाएगा वन टीन ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है सी ए सी एल इंटू सी एल सी ए सी एल इंटू सी एल ये होता है इस तरह का फार्मूला होता है तो इसमें क्या पाया जाता है क्लोरीन पाया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन हो जाएगा सी का हो जाएगा फोर अब हाइपो uh, सॉल्यूशन क्या होता है एक एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फार्मूला है एन ए टू एस टू ओ थ्री इसको कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फ़ेट जब हम इसी को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो इसको कहा जाता है सोडियम हाइपोसल्फाइट सोडियम हाइपोसल्फाइट या इसी का नाम है हाइपोसोल्यूशन तो इसमें क्या पाया जाता है सोडियम पाया जाता है डी तो D हो डी का हो गया थ्री तो टू वन आ, फोर थ्री टू वन फोर थ्री राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा टू वन फोर थ्री डी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन रेगुलेट्स द मेटाबोलिज्म ऑफ तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म को रेगुलेट करता है ये इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है इंसुलिन जो है एक ग्लैंड होता है पैंक्रियाज वो दोनों ही तरह का ग्लैंड है एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों ही तरह का ग्लैंड है एक्सोक्राइन के रूप में वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और इंडोक्राइन के रूप में इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रिएट करता है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है यानी ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर हार्ट चेंबर्स आर फाउंड तो माइमल्स में फोर हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं बर्ड में भी पाए जाते हैं फोर हार्ट चेंबर्स एंड क्रोकोडाइल में फोर हार्ट चेंबर्स पाए जाते हैं लेकिन रेप्टाइल्स में जो है थ्री हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं इसमें थ्री बाकी में चार राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा मोर देन वन नेक्स्ट क्वेश्चन दी अपार्ट मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑसमोसिस राइट ऑप्शन इज डी एब्जॉर्बन ऑफ वाटर फ्रॉम दी ग्राउंड बाई द रूट हेयर्स ऑफ द रूट्स इन प्लांट्स दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लिम्बिंग अप इज कॉल्डिस एक्शन इज डन बाई दूड इज कैरिड टू दर पार्ट ऑफ द प्लांट्स बाई फ्लोएम नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन विल द रेनबो बी विजिबल एट नून तो दोपहर के समय एट नून रेनबो विजिबल नहीं होगा क्योंकि रेनबो तब बनता है जब रेनफॉल uh, हुआ हो या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों या फिर रेनफॉल हुआ हो uh, तो जिधर सन रहता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है जैसे मॉर्निंग का टाइम है रेनफॉल हुआ है या वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हो एटमॉस्फेयर में तो वेस्ट uh, डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देगा और यदि इवनिंग का टाइम है और uh, रेनफॉल हुआ है या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हो एटमोस्फेयर में तो ईस्ट uh, डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देगा लेकिन दोपहर के समय में चूंकि सन जो है डायरेक्ट हेड के ऊपर रहता है तो दैट्स वाई रेनबो दिखाई ही नहीं देगा अब क्वेश्चन ये एराइज होता है यहाँ पे कि जिधर सन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो क्यों दिखाई देता है तो उसका आंसर जानने से पहले हम जानते हैं कि रेनबो बनता कैसे है तो मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है यानी सन है सोर्स ऑफ लाइट सन और यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट है वाटर ड्रॉपलेट है यहाँ से सोलर रेडिएशन आया तो इसका डिस्पर्सन हो जाता है डिस्पर्स कर जाता है ये सेवन कलर्स में सेवन कलर्स में इसका डिस्पर्सन हो जाता है और फिर ये रिफ्लेक्ट करके आता है ये सेवन कलर्स जो है रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाते हैं सेवन कलर्स रिफ्लेक्ट होकर के आ रहे हैं तो देखिए कोई भी है यहाँ है तो वो देखेगा किधर मान लीजिए हमारी आँख यहाँ पर है तो ये देखेगा कि ये जितनी भी रेज है जितनी भी रेज है वो इधर से आ रही है इसलिए रेनबो इस साइड में कहीं दिखाई देगा उसको तो सन है लेफ्ट साइड में और रेनबो दिखाई किधर दे रहा है राइट साइड में इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे जब वाटर ड्रॉपलेट पे सोलर रेडिएशन पड़ेगा यानी लाइट रे आएगी तो यहाँ पर दो फिनोमिनन होगा एक तो यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन हुआ दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ डिस्पर्सन हुआ और यहाँ पे आकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है इस बाउंड्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है तो रिफ्लेक्शन भी हुआ है रिफ्रैक्शन भी हुआ है हुआ है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये सारी रिफ्लेक्शनोम के थ्रू बना हुआ है रेनबो और जिधर सन है यानी सोर्स ऑफ लाइट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई दे रहा है तो इसमें राइट right ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला इलेक्ट्रिक मोटर है जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपके घरों में लगा हुआ फ़ैन फैन जो है फ़ैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहिए वो फैन जो है रोटेट करना शुरू कर देता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया और फ़ैन रोटेट करना शुरू किया मतलब मैकेनिकल वर्क करना शुरू कर दिया मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम तो तो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना राइट ऑप्शन सी होगा डायनेमो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में जैसे एक मैग्नेट और एक क्वाइल को के बीच जब रिलेटिव मोशन दे दिया जाता है यानी एक मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ घुमा दीजिए या कॉइल को मैग्नेट के चारों तरफ घुमा दीजिए तो थ्रू इलेक्ट्रो इंडक्शन या यूँ कहें कि थ्रू फायराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो या अकॉर्डिंग टू फायराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पर उस क्यल में एक ई एम एफ जनरेट होगा मतलब एक सेल बन जाएगा एक बैटरी बन जाएगी यानी एक वोल्टेज वहाँ पर डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से उस कॉल में करेंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो किया क्या गया या तो मैग्नेट को क्वाइल की तरफ़ घुमाया गया या क्वाइल को मैग्नेट की तरफ़ घुमाया गया तो मतलब मैकेनिकल वर्क किया गया मतलब मैकेनिकल एनर्जी खर्च किया गया अब बदला किस में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो डायनेमो का काम है यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ट्रांसफार्मर का क्या काम है ट्रांसफार्मर जो है हमेशा अल्टरनेटिंग करेंट पे ही वर्क करता है डायरेक्ट करेंट पे ये वर्क नहीं करेगा जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का यहाँ पे हमने सप्लाई किया एसी एसी जब हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है इधर सेकेंडरी कोयल है यहाँ आउटपुट हमें लेना है तो चूँकि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जा रहा है तो अल्टरनेट अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है इसका डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है जैसे अभी लेफ्ट से राइट right जा रहा है थोड़े ही समय के बाद राइट टू लेफ्ट और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है जैसे इसका ग्राफ ये होता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्सन भी चेंज हो रहा है तो मतलब इस वायर में जो इस वायर में करेंट जो फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहा है तो इससे एसोसिएटेड या इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी चेंज होगा और चूंकि इस सेकेंडरी कोयल के पास में प्राइमरी कॉयल द्वारा प्रोड्यूस जनरेट मैग्नेटिक uh, के फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है दैट्स वाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉयल से एसोसिएटेड है उसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो ही चेंज होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा तो सेकेंडरी कोयल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो जाएगा इसमें भी अल्टरनेटिंग करेंट ही फ्लो होगा तो ए सी को ए सी को ए सी ही रहने दिया लेकिन अब ये करेगा क्या या तो वोल्टेज को अप करेगा या वोल्टेज को डाउन करेगा हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है यदि वोल्टेज बढ़ाना है तो वोल्टेज अप कर देगा सेकेंडरी में नंबर ऑफ क्वाल्स बढ़ा देंगे तो वोल्टेज को ये स्टेप अप कर देगा जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे और यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स कम कर देंगे तो ये वोल्टेज को डाउन कर देगा जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप करना या डाउन करना इन्वर्टर का काम है इन्वर्टर का ये काम करता है अल्टरनेटिंग uh, करेंट को डी सी करेंट में डी सी को ए सी में ये चेंज करता है इन्वर्टर इन्वर्ट कर देता है ये सो so, इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड दी हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर राइट ऑप्शन इज सी एडवर्ड टेलर ने इन्वेंट किया हाइड्रोजन बम का अब हाइड्रोजन बम कौन सी प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है uh, जब कोई बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है और uh, जब वहीं uh, टू और मोर देन टू स्मॉलर न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं फ्यूज करके एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और यहाँ पे मास का जो डिफेक्ट आता है उसी की वजह से ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इससे एनर्जी जनरेट होती है लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल uh, क्या है पहला एग्जाम्पल तो ये है जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर से जो लाइट एनर्जी आ रही है सोलर और सन के अंदर से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है जैसे यदि सन की बात करें तो uh, फोर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल करके हीलियम uh, के न्यूक्लियाई बनाते हैं हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं फोर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं आ, और उस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है और दूसरा क्या है हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम बनाने के लिए मतलब न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए टेन टू दी पावर सेवन टू टेन टू द पावर एट केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इतना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करा करके एनर्जी जनरेट करके इतना टेम्परेचर मेंटेन करा दिया जाता है देन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन ओर ओर इज आर जो है iron का ओर है आयरन का इसमें इसका फॉर्मूला होता है एफ टू थ्री और इसमें पाया जाता है राइट ऑप्शन डी होगा पीच ब्लेंड किसका ओर है यूरेनियम का है मोनाजाइट किसका है थोरियम का है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिमर इज यूज इन द मैनुफेक्चर ऑफ नॉन एस्टिक पैंस तो वो है टेफलॉन राइट ऑप्शन ए होगा Deflon क्या है यह जो है आ, पोलीमर है टेट्राफ्लोरोन का टेट्राफ्लोरोन यह हो गया आपको इथिन यह हो गया इथिन इसमें चारों हाइड्रोजन को हटा करके फ्लोरीन जोड़ दीजिए फ्लोरीन. फ्लोरीन. इधर फ्लोरीन. तो यह हो गया टेट्राफ्लोरो इथिलीन ये एक यूनिट हुआ इसकी बहुत सारे मोनोमर इसको मोनोमर कहेंगे बहुत सारे मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो बनता है पोली जिसको जिसको कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ पोटैटो इज द स्टेम उसका खाया जाता है राइट ऑप्शन पी है नेक्स्ट क्वेश्चन एजोला इज ए टाइप ऑफ एक्वेटिक फर्न राइट ऑप्शन इज ए इट कम्बाइंस विथ ब्लू ग्रीन एलगी टू प्रोवाइड बायो फर्टिलाइजर्स एंड प्लेज ए मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू दैडी फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन तो डब्ल्यू बी सी है व्हाइट ब्लड सेल्स कहिए या व्हाइट ब्लड करपस्कल्स कहिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आ, यहीं डब्ल्यू बी सी जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है इसी के अंतर अंदर जो पाया जाने वाला टी सेल्स है, वो याद करके रखता है कि जैसे कोई वायरस जैसे कोविड का कोई वेरिएंट हमारे बॉडी में इंटर किया और हम ठीक हो गए तो ये टी सेल जो है उसका फ़ोटो खींच करके उसका इमेज बना करके रखता है फिर ये फ्यूचर में इसके इसके फैमिली का कोई भी मेंबर यदि हमारे बॉडी में इंटर करता है तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम को वो एक्टिव कर देता है कि ये पहले आ चुका है इसको मारो नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग डिजीजेज विथ देयर आर सूटेबल कॉजेज तो खैरा जो आ, रोग होता है खैरा डिजीज जो है जिंक की डिफिशियंसी से होती है तो ए का डी हो जाएगा जिंक डिफिशियंसी से इनेमिया आ, इनेमिया आयरन की डिफिशियंसी से होता है टू का सी हो जाएगा एस्कर्बी एस्कर्बी जो है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है तो सी का ए हो जाएगा ग्वाइटर आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है तो फोर का बी uh, हो जाएगा तो वन का डी टू का सी थ्री का ए एंड फोर का बी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वन का डी टू का सी थ्री का एंड फोर का बी डी ऑप्शन सही नेक्स्ट क्वेश्चन बाईफ हिच इंस्ट्रूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड वो है ऑडियोमीटर राइट ऑप्शन इज ए एनीमोमीटर से किसको मेजर किया क्या चीज़ मेजर किया जाता है एनीमोमीटर साउंड का स्पीड मेजर किया जाता है साउंड का स्पीड नहीं विंड का स्पीड स्पीड ऑफ विंड मेजर किया जाता है निमोमीटर से क्रोनोमीटर uh, क्रोनोमीटर से लैटीट्यूड एंड एंड टाइम इन सी मेजर किया जाता है ऑडियोफोन क्या है ये सुनने का एक इंस्ट्रूमेंट uh, है सुनने में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग दी स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम तो स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू कह दीजिए या एन कह दीजिए म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अभी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम तो वी का वैल्यू यदि हम निकालें भी इज इक्वल टू सी बाई म्यू हो जाएगा सीवाई में इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम का कम होगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट uh, का स्पीड uh, कम होगा तो यदि हम देखें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव होता है और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट थ्री थ्री होता है वैक्यूम का वन एयर का भी वन हम ले सकते हैं तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें आ रहा है ग्लास का तो इसी में लाइट का स्पीड मिनिमम होगा राइट ऑप्शन इज ए <laughs> नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी मोनाजाइट सैंड तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का ओर है तो राइट ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सी एन जी दैट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन इसमें मेनली मीथेन होता है मोर देन एटी परसेंट अप्रॉक्स एट्टी परसेंट मीथेन होता है सी एच फोर सी एच फोर राइट ऑप्शन ए होगा और यदि हम सी एन जी और एल पी जी को कंपेयर करें सी एन जी एंड एल पी जी सी एन जी एंड एल पी जी तो इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है ब्यूटेन मतलब चार कार्बन फोर कार्बन सी फोर एच टेन सी फोर एच टेन और इसमें है सी एच फोर तो इसमें इसके वन मॉलिक्यूल में आ, वन कार्बन एटम है इसके वन मॉलिक्यूल में ब्यूटेन के वन मॉलिक्यूल में फोर कार्बन एटम है तो कौन सा यदि इसका कम्बसन होता है तो कौन सा ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करेगा तो एल ज़्यादा करेगा और सी कम तो ये कम पॉल्यूशन जनरेट करने वाला है सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिंग फोटो सिंथेसिस द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज इंट्रेंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स इंट्रेंसिक फैक्टर्स इंक्लूड इंक्लूड्स शेप एज ऑफ प्लांट्स कन्फिगुरेशन ऑफ लिप्स क्लोरोप्लास्ट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल एक्सेट्रा Uh, among the external factors light concentration of carbon dioxide temperature and water are prominent so chloroplast is intrinsic factor chloroplast comes in intrinsic factor right option is b next question the plants which grow especially in dry climate are called xerophyte xerophyte right option will be b for example cactus aloe vera, नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन लीवर राइट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्रोजन हार्मोन इज ए एस्ट्रोयड राइट ऑप्शन इज डी एस्ट्रोजन हार्मोन इज ए एस्ट्रोयड प्रजेंट इन फीमेल्स दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पबिसिटी लैक्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर तो सिंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए रो एल बाई ए रो रो एल बाई ए देर फोर रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल यूनिट ऑफ आर ओम यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर आर डिडेड बाई मीटर सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम मीटर ओम मीटर राइट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कैन बी एक्यूरेटली ट्रैक्ट फ्रॉम दी अर्थ बाई यूजिंग डॉपलर इफेक्ट राइट ऑप्शन इज ए डॉपलर uh, इफेक्ट क्या होता है डॉपलर इफेक्ट साउंड एंड लाइट दोनों ही में ऑब्जर्व किया जाता है देखने को मिलता है डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर इफेक्ट होता क्या है जब सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ साउंड ये सोर्स ले लीजिए सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर कह दीजिए लिसनर कह दीजिए एंड ऑब्जर्वर जब सोर्स ऑफ साउंड या सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है यानी सोर्स एंड ऑब्जर्वर सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें, एक दूसरे से दूर जाए एक रेस्ट में रहे दूसरा मूव करें मतलब इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो तो लिसनर यानी ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग होगी और इसी फिनोमिनन को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट तो जब दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन हो एक दूसरे के टूआर्स हो तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी और जब रिलेटिव मोशन एक दूसरे से अवे हो तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी ऑब्जर्वर के द्वारा वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से कम होगी नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू तो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का, का कैलोरीफिक वैल्यू होता है फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड किलो जूल पर के जी सी uh, एन जी का कैलोरीफिक वैल्यू होता है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड किलो जूल पर के जी एल पी जी का कैलोरीफिक वैल्यू फिफ्टी फाइव थाउजेंड किलो जूल पर के जी एंड बायोगैस का होता है थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड थर्टी टू थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड किलो जूल पर के जी तो सबसे ज़्यादा किसका होता है एल पी जी का राइट ऑप्शन विल बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल तो अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल एन एच फोर सी एल एंड जिंक क्लोराइड जेड एन सी एल टू जेड एन सी एल टू इलेक्ट्रोलाइट uh, के रूप में इसके यूज़ करने का कारण क्या है कि जब सॉल्यूशन uh, फेज में जाएगा एक्वस फेज में, तो में ये जाएगा तो एन एच फोर प्लस एंड सी एल माइनस में ये टूट जाएगा और ये जेड एन टू प्लस एंड सी एल माइनस में टूट जाएगा टू सी एल माइनस में टूट जाएगा ये सो राइट ऑप्शन विल बी बी अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पोरा क्वाडरी जेमिना इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मिडिल ब्रेन इट ऑप्शन विल बी बी इट इट बेसिकली कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन इट हैज फोर कार्पोरा क्वाड्रीजेम व्हिच आर द रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ आई मूवमेंट एंड ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट प्लेटलेट्स प्रजेंट इन द्लड सीक्रेट ए सब्सटांस कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टीन ये करेक्ट है फाइब्रीनोजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा ये भी सही है फाइब्रीनोजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये सही है प्लाज्मा विदाउट फाइब्रीनोजन इज कॉल्ड थ्रॉम नो इट्स कॉल्ड सीरम सो ये डी जो है वो फॉल्स uh, स्टेटमेंट है सो राइट ऑप्शन विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट वन मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू लिस्ट वन लिस्ट टू टीबर क्लोसिस किसकी वजह से होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है तो ए का वन स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है बी का थ्री सिंगल्स uh, ये किसकी वजह से होता है सिंगल्स uh, जो है फंगस की वजह से होता है तो सी का टू uh, हो जाएगा डिसेंट्री प्रोटोजोवा से होता है डी uh, का फोर हो जाएगा ए का वन बी uh, का थ्री ए का वन बी का थ्री सी uh, का टू एंड डी का फोर राइट ऑप्शन विल बी डी

हाइड्रोजन के थ्री आइसोटोप्स होते हैं प्रोटियम वन एच वन ड्यूटेरियम टू वन एंड ट्राइटियम थ्री वन तो प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम इसी ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हीवी वाटर कहा जाता है और हीवी वाटर का यूज कहाँ किया जाता है हीवी वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में दोनों ही का रोल वो प्ले करता है कुल cool भी करता है कूलिंग एजेंट भी है एंड मॉडरेटर का यूज भी किया जा रहा है मॉडरेटर मतलब जो न्यूट्रॉन्स वहाँ से निकल रहे हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बाद में जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको स्लो करता है स्लो न्यूट्रॉन ही कैपेबल uh, होता है न्यूक्लियर फिशन कराने के लिए यूरेनियम टू थर्टी फाइव पी नेक्स्ट क्वेश्चन फिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टच इज दी रेड सी तो यदि हम मैप को ध्यान से देखें तो रेड सी को टच करने वाले जो कंट्री हैं अफ्रीका कंटिनेंट के जो कंट्री हैं वो हैं सूडान इजिप्ट इरिटेरिया एंड जिबूती वेस्ट कोस्ट को ये टच करता है एशिया के यदि बात करें तो सऊदी अरबिया एन एम एन सऊदी अरबिया एन यमन जो है ये टच करता है तो इसमें से बी हो जाएगा यमन टच करता है इजिप्ट करता है एंड सूडान करता है राइट ऑप्शन अप्स, विल बी सी आ, स्वेज कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से रेड uh, uh, सी in uh, जो है वो लोकेटेड है एशिया एंड अफ्रीका कंटिनेंट्स के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रेट लेक्स सुपेरियर है ह्यूरोन भी है मिशिगन है लेकिन विनी पेक जो है वो ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है सो राइट ऑप्शन विल बी डी द ग्रेट लेक्स इज ए कंपोजिट ऑफ फाइव लेक्स सुपेरियर ह्यूरोन मिशी मिशिगन इी एंड ओंटारियो by area lake superior is the largest and ontario is the smallest the extent of Lake michigan is only in the us while the other four lakes are located in both the us and canada next question the correct order of the states in the production of jute each uh, the ganga bramputra plains are the major area of jute production uh, west bengal is the most productive state followed by bihar and assam so right option will be वेस्ट बंगाल देन बिहार देन आसाम सी वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट फॉलोड बाई बिहार एंड आसाम सीमाचल रीजन ऑफ बिहार देट मीन्स पूर्णिया अररिया कटिहार एंड कोसी रीजन आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ जूट नेक्स्ट क्वेश्चन मोरिया ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन राजस्थान में ये नहीं पाई जाती है राइट ऑप्शन विल बी डी ये मोस्टली माउंटेनस रीजन में ये निवास करती है माउंटेनस रीजन में जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम लेकिन राजस्थान में नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है वो आ, मुंगेर का है कितना है एट हंड्रेड सेवेंटी सिक्स एट हंड्रेड सेवेंटी सिक्स राइट ऑप्शन विल बी सी Next question where is the plastic factory located in Bihar in hajipur right option will be a Next question which of the following river passes through maximum number of countries danube river right option will be c the nil river is the longest river in the world whereas the danube river passes through most nine countries of europe the second largest river in the europe दी कंट्री दीज कंट्रीज आर जर्मनी ऑस्ट्रिया रोमानिया बुल्गारिया स्लोवाकिया हंगरी यूक्रेन क्रोएशिया एंड सर्बिया द राइन रिवर पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली ऑफ यूरोप द मेकोंग रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पोर्ट्स एंड दे रेस्पेक्टिव कंट्रीज तो लिस्बन पोर्ट जो है पोर्तुग पुर्तगाल में पाया जाता है तो ए का थ्री कोलम्बो श्रीलंका कोलम्बो पोर्ट श्रीलंका में तो बी का वन एंड कायरो कायर जो है इजिप्ट में है कायरो पोर्ट इजिप्ट सी का फोर हो जाएगा कोपेन हेगन जो है वो डेनमार्क का पोर्ट है तो डी का टू हो जाएगा ए का थ्री बी का वन ए का थ्री बी का वन सी का फोर एंड डी का टू राइट ऑप्शन विल बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द दैकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर तो फर्स्ट पे है कैमूर फॉरेस्ट uh, कवर के मामले में uh, वहाँ पे वन थाउजेंड फिफ्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है सेकेंड पे आता है वेस्ट चंपारण वहाँ पे नाइन हंड्रेड थ्री पॉइंट थ्री फोर स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है राइट ऑप्शन विल बी सी वेस्ट चंपारण नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड लोकेटेड इन इन ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन विल बी बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज़ द सहारा नेक्स्ट इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट दिस डेजर्ट इंक्लूड्स द ग्रेट सैंडी गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया एक्सेट्रा डेजर्ट इन दी वर्ल्ड इन दार्ट कंटिनेट नेट नेम इज दॉट एयर मूविंग इन दहारा डेजर्ट नोन इन इजिप्ट में खमसिन कहा जाता है इंडिया में लू कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में बीली बीली राइट ऑप्शन तापी रिवर पोर्स इन टू विच ऑफ दल्फ ऑफ खम्भान गल्फ ऑफ खम्भाथ खम्भाथ गल्फ ऑफ के में खाथ खम्भ खम्भा राइट ऑप्शन विल बी सी खम्भात नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण उदयपुर सेंचुअरी एंड वाल्मीकि उद्यान उदयपुर सेंचुअुरी एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क राइट ऑप्शन विल बी ई गोगाबिल बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है यह है कटिहार में कटिहार कटिहार में है कांवर झील कहाँ पे है कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है कांवर झील कांवर झील बर्ड सेंचुरी जो है वो बेगूसराय में है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच डिस्ट्रिक्ट माइका इज नॉट फाउंड गाया नवादा मुंगेर जमुई गाया नवादा मुंगेर जमुई गया, नवादा मुंगेर जमुई और बिहार आर दी प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ माइका इंडिया अकाउंटेड फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड्स माइका प्रोडक्शन इन लास्ट टिकेट बट करेंटली चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिमिलरली आंध्र प्रदेश प्रोड्यूसेस मैक्सिमम माइका एट प्रजेंट इन इंडिया बट अर्लीयर दी गाया कोडरमा वैली ऑफ बिहार झारखंड वॉज़ दें एरिया सो राइट ऑप्शन विल बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ दी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है किशनगंज यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन है राइट ऑप्शन विल बी ए और सबसे कम कहाँ का है चाइल्ड सेक्स रेशियो और सबसे कम है वैशाली का नाइन हंड्रेड फोर ओवरऑल यदि बिहार का देखें तो बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है नाइन हंड्रेड थर्टी फाइव ये बी पी एस सी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेयर द हिमालयन रिवर विथ द पेनिनसुलर रिवर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग द रिवर ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज रेंज आर लॉन्गर वाइल्ड द पेनिनसुलर रिवर्स आर लेस लॉन्ग यस करेक्ट है ये द हिमालयन रिवर फ्रॉम डीप फॉर्म्स डीप गॉर्जेज वाइल्ड द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो इन शैलो गॉर्गेज ये भी सही है दी हिमालयन रिवर आर स्टील इन दियर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाइल दिनेंशलर रिवर्स हैव रिच दी मेच्योरिटी स्टेज यह भी सही है तो तीनों सही है राइट ऑप्शन विल बी डी वन टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार हैज द मोनोपोली इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स पाईराइट option will be c bihar is the only state in india where 95% of the country's reserve of pyrite are present at the same time bihar also produces 95% of pyrites in the country pyrite is the main source of sulfur it is mainly found in Rohtas district of bihar next question what percentage of alluvial soils are found in the found of the total land area in india uh, Approximately 45% right option will be d alluvial soils are widely spread in the northern plain and river valleys uh, these soils cover about 45% of the total area of the country they are depositional soils transported and deposited by rivers and streams next question in which of the following district of bihar tal soil is found uh, in munger right option will be d इन बिहार द एक्सपेंशन ऑफ ताल सॉयल इज फाउंड एज एट टू टेन किलोमीटर वाइड स्ट्रिप विथ द हेल्प ऑफ द सदर्न बैंक ऑफ द गंगेस इट इज़ फील्ड विथ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड वैन द वाटर कम्स आउट आफ्टर द रेन रबी क्रॉप्स आर सोन हियर दिस एरिया इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू लिस्ट वन में स्टेट का नाम दिया गया है लिस्ट टू में हाईएस्ट पीक दिया गया है तो केरला का हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाई अनाईमुड़ी केरला का हाईएस्ट पीक अनाई मोड़ी ए का थ्री हो जाएगा अनाई मोड़ी का हाइट जो है वो है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एंड नाइन्टी फाइव मीटर नागालैंड का हाइस्ट पीक जो है वो है सारामती नागालैंड का सारामती बी का फोर हो जाएगा सारामती का हाइट जो है वो है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मीटर उत्तराखंड का हाईएस्ट पिक वो है नंदा देवी उत्तराखंड का हाईएस्ट पिक नंदा देवी नंदा देवी यानी सी का टू हो जाएगा और तमिलनाडु का हाईएस्ट पिक जो है वो है डोडाबेटा इसका हाइट है तमिलनाडु का डोडाबेटा डी का वन हो जाएगा इसका हाइट है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी सेवन मीटर और नंदा देवी का हाइट कितना है वो है सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटीन मीटर सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटीन मीटर है नंदा देवी का हाइट तो इसमें से आ रहा है ए का थ्री बी का फोर थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन राइट ऑप्शन विल बी ए थ्री फोर टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी टू थाउजेंड एलेवन सेंसस दंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया इज वाट परसेंट ऑफ दॉपुलेशन एट पॉइंट ऑप्शन टोटल शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है टेन करोड़ फोर्टी टू लाख एटी वन थाउजेंड एंड थर्टी फोर जो टोटल पॉपुलेशन का एट पॉइंट सिक्स परसेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ई शांता तो ई सांता इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस विच प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वाकल्चर फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स राइट ऑप्शन विल बी ए द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इनोग्रेटेड ई सांता इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग बिजनेस ऑफ फार्मर्स इन एक्वाकल्चर विथ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वा कल्चर फिर मैं रिपीट करता हूँ Uh, e santa means electronic solution for increasing business of farmers in aquaculture with national center for sustainable aquaculture in a virtual format e santa is an electronic marketplace that provides a platform to connect aquaculture farmers and exporters the national center for sustainable aquaculture is an extended arm of the marine product प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ट्वेंटी उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था राइट ऑप्शन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू दी रिसेंटली कंक्लूडेड टोक्यो ओलंपिक इंडिया बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इज इन दिस ओल्पिक्स ये सही है इंडियन शटलर पी वी सिंधु बीकेम दी फर्स्ट इंडियन वोमेन टू वीन ए मेडल ट्वाइस इन दी ओलंपिक्स ये भी सही है इंडिया ओन थ्री ब्रॉन्ज मेडल इन दी ओलंपिक्स नो वन गोल्ड मेडल टू सिल्वर मेडल एंड फोर ब्रॉन्ज मेडल सो ये स्टेटमेंट गलत है इन टोक्यो ओलंपिक्स इंडिया सेंड इट्स लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट टू द ओलंपिक्स यस ये सही है सो राइट ऑप्शन विल बी नॉट करेक्ट सी थर्टी सेकेंड ओलंपिक्स टुक प्लेस इन टोक्यो फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड जुलाई टू एट अगस्त इंडिया बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन दिस ओलंपिक्स विथ वन गोल्ड टू सिल्वर एंड फोर ब्रॉन्ज पी वी सिंधु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन दिस ओलंपिक विथ दिस विक्ट्री सी बी कैम द फर्स्ट इंडियन वोमेंट टू विन ए मेडल एट दि ओलम्पिक्स ट्वाइस इंडिया हैड्स एंड इट्स लार्जेस्ट कंटेंजेंट टू दि ओलंपिक्स सो फार द टू हंड्रेड ट्वेंटी एट

उपेंद्र महारथी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ऑफ पटना इज बिंग मेड ए बिंग मेड ए म्यूजियम ऑफ क्राफ्टमैनशिप सो राइट ऑप्शन विल बी डी पटना बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट कंप्लीटली पेपरलेस ई कैबिनेट सिस्टम हिमाचल प्रदेश राइट ऑप्शन विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन Limited joint exercise uh, 2022 was held between India and which country? Uh, India and Seychelles. Between India and Seychelles. Right option will be D. Next question: Which village has been selected by the government of Bihar to make a model of development in the panchayats of Bihar? In August 2021, that means 2021. धनराज विलेज ऑफ़ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ़ बिहार एज ए मॉडल फॉर डेवलपमेंट इन पंचायत्स ऑफ बिहार सो राइट ऑप्शन विल बी धनराज विलेज ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट डी नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022 व्हाट इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार 305 किलोवाट 350 किलोवाट आवर 350 kilowatt hour, right option will be A. Next question Which country is not included in the ACUS uh, Tripartite Alliance? A for Australia, UK for United Kingdom, and US for United States of America. Uh, Japan is not included in arcus, so right option will be D. Next question Which is the first rocket launched by the private sector in India? Vikram, S, right option will be C. Next question Who is the author of Cooking to Save Your Life? Abhijit Banerjee. Right option will be C. Next question Till when has the state of Bihar made the provision to not change the reservation in panchayats? Provision has been made not to change the provisions of reservation in panchayats in Bihar state by 2026. Right option will be A. Next question With reference to India forest. Uh, status report IFSR report 2021 consider the following statements according to this report the total forest cover and tree cover in the country is 24.62 percent of the total geographical area yes yes hai. the correct cover uh, the forest cover has increased by 0.22 percent in ISFR 2021 as compared to India's forest status report that means ISFR 2019 यस yes, ये भी सही है थर्ड स्टेटमेंट द मैक्सिमम रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर इन आई एस एफ आर ट्वेंटी ट्वेंटी अकर्ड इन नागालैंड नो इन अरुणाचल प्रदेश सो ये स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द मैक्सिमम ट्री कवर एरिया इज इन महाराष्ट्र यस ये सही है तो वन टू एंड फोर सही है एंड राइट ऑप्शन विल बी डी next question which country won the fifa, FIFA under 17 women's world cup 2022 uh, the fifa under 17 women's world cup 2022 was organized in india from 11th october to 30th october uh, spain defeated colombia in the final to win the title for the second time so right option will be a spain Next question between which two countries the joint tri services humanitarian assistance and disaster relief exercise tiger triumph 2022 was organized between India and USA right option will be uh, d India and America joint humanitarian assistance and disaster relief tiger triumph 2022 between the India and US armies was held at India's eastern naval command in Visakhapatnam next question which state or union territories uh, kadmat beach has been awarded the blue flag eco label uh, the blue flag tag has been given to miniquay thundi beach and kadmat beach located in lakshadweep lakshadweep right option will be d uh, with this the number of blue flag beaches in india has gone up to 12 दी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन ऑफ डेनमार्क अवार्ड्स द ग्लोबली रिकोगनाइज इको लेवल दैट मीन्स ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी डी एस ऑफ इंडिया अनिल चौहान राइट ऑप्शन विल ए रिटायर्ड इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान विल सक्सीडेड सक्सिड जनरल बिपिन रावत इंडियाज फर्स्ट सी डी एस आर्मी चीफ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड स्पीसीज ब्रासिका जुनसिया ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन विल बी सी ऑस्ट्रेलियाज ऑफिस ऑफ जीन टेक्नोलॉजी रेगुलेटर दैट मीन्स ओ जी टी आर हैज अप्रूव्ड द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ हर्बिसाइड टोलरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड स्पीसीज ब्रासिका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटोमीटर साइंटिस्ट है बेस्ट सच मैग्नेटोमीटर वाइडली यूज बाई ऑल मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज अराउंड दिस विल रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन द कमर्शियल ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर दैट मीन्स ओ वी एच मैग्नेटोमीटर इंस्टॉल एट द अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम वॉज इनोग्रेटेड बाई महाराष्ट्र वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा इन मुंबई दी वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग ट्रैक द मूवमेंट ऑफ बल सीजनल माइग्रेंट बेनिफिशरीज सो राइट ऑप्शन महाराष्ट्र नान ऑफ दस्ट क्वेश्चन अनमर इब्राहिम हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिच कंट्री मलेशिया राइट ऑप्शन विल बी ए तो फ्रेंड्स ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट वन के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन आप बने रहिए इस चैनल के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच